व्यापारी विष्णु अग्रवाल ने इन दिनों ईडी की रडार पर है, क्योंकि ईडी ने जमीन की खरीद बिक्री की जांच के दौरान यह पाया कि विष्णु अग्रवाल ने ज्यादातर विवादित जमीन ही खरीदी है, इसलिए ईडी ने उनके सभी जमीनों का ब्यौरा मांगा है। लेकिन अब तक ईडी को जमीन से संबंधित दस्तावेज विष्णु अग्रवाल ने नहीं सौंपे हैं। ईडी ने उन्हें 21 जून का समय दिया है और कहा है कि सेना की जमीन, नामकुम स्थित जमीन, न्यूक्लियस मॉल की जमीन, अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई जमीन के दस्तावेज लाकर दिखाएं। ईडी ने न्यूक्लियस मॉल की जमीन व नामकुम के पुड्डू वाली जमीन पर भी शक जाहिर किया है। चेशायर होम रोड में विष्णु अग्रवाल द्वारा खरीदी गई जमीन की जांच से यह साफ हो गया है कि उन्होंने अधिकतर विवादित जमीन खरीदी है। दस्तावेज में जालसाजी कर जमीनों की खरीद बिक्री हुई है। चेशायर वाली जमीन की खरीद बिक्री में दलाल प्रेम प्रकाश को 1.5 करोड़ रुपए दिया गया था। बता दें कि प्रेम प्रकाश फिलहाल जेल में है। चेशायर होम रोड स्थित जमीन की जांच में मिले तथ्यों के आधार पर ही विष्णु अग्रवाल की सभी जमीनों पर आशंका जाहिर की गई है। बता दें कि करमटोली सेना की जमीन घोटाला मामले की जांच ईडी कर रहा है। इस मामले में सोमवार को ही 11 लोगों के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया है, जिसमें विष्णु अग्रवाल भी शामिल है। इधर सिरमटोली सेना जमीन को लेकर भी कारोबारी विष्णु अग्रवाल को समन किया गया है। विष्णु अग्रवाल से चेशायर होम रोड में लैंड डील को लेकर भी पूछताछ होगी। ईडी ने 21 जून को रांची जोनल ऑफिस में विष्णु अग्रवाल को बुलाया है। बता दें कि करमटोली सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री के मामले में अग्रवाल से ईडी ऑफिस में पहले भी पूछताछ हो चुकी है, इसलिए ईडी का सामना और उनके सवाल जवाब का तरीका व्यवसायी विष्णु अग्रवाल के लिए कुछ नया नहीं होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।